हर घर कांग्रेस हर गांव कांग्रेस के कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूती प्रदान कराने के लिए जनपद में पधारे कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी राजेश धर्माणी का नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जयमवाल ने स्वागत किया। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। वही इस बीच राजेश धर्माणी ने बताया कि वर्तमान में भाजपा की सरकार ने मन की बात जनता पर थोपी हुई है और जनता के मन में क्या है ये प्रधानमंत्री जानने का प्रयास तक नहीं करते। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान भारत की जीडीपी संपन्न देशों में बराबर रही है, जिसके साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र स्थापित किया तभी तो इनको पैदा होने का मौका मिला। और ये जो जनसंपर्क के तरीके हैं, जो भी जैसे हर गांव में कांग्रेस, ये कांग्रेस पहले करती आई है। बीच में कुछ गैप आ गया, बीच में कुछ सालों तक ये चीज़ें जो है लगभग बंद हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस ने दोबारा पुराने समय की जो कांग्रेस थी उस रूप में आना जो है शुरू कर दिया। तो कांग्रेस को भी लगता है कि जैसे आरएसएस की तर्ज पे सेवा दल को उभारना चाहिए। सेवा दल के संस्थापक आरएसएस के संस्थापक जो थे वो पहले सेवा दल में थे ना, उस हमें आरएसएस की नकल करने की जरूरत नहीं है। हम जो हमारे सिद्धांत हैं हमें दोहरा चरित्र पसंद नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर राजनीति की। अगर कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस पार्टी का एक अनुसांगिक संगठन है ना, एक सहयोगी संगठन है, लेकिन आरएसएस पर्दे के पीछे राजनीति करती है, लेकिन सामने जो है वो अपने आप को गैर राजनीति करती है। लेकिन ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही है, इसमें कोई अलग वो नहीं है, लेकिन लोगों को साथ जोड़ने के लिए वो अपने आप को गैर राजनीति करती है।